तो फ्रेंड्स गेस कीजिए मैं कहाँ हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने फार्म हाउस पे। पीछे आप देख रहे होंगे अनार का जो ऑर्चर्ड है, अनार के पेड़ हैं। तो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली एप्पल ऑर्चर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, तो आज उसका विज़िट करेंगे और जिस तरह से है हम उसे ग्रो कर रहे हैं तो वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो फार्म हाउस है, ये आप जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर या कोई हैबिटेशन देखने को नहीं है। तो ये काफ़ी शांत एरिया है, मतलब यहाँ पे आके इतना पीसफुल फील करते हैं हम कि याद ही नहीं रहता कि आसपास हमारा कोई घर भी है। और वैसे तो जो हमारा घर जहाँ हम रहते हैं वो ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, पर ये वाला एरिया उस एरिया के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बहुत ही अच्छा और शांत। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं एप्पल ऑर्चर्ड में। तो एप्पल ऑर्चर्ड से पहले ये जो पीछे है ये है भाड़। तो प्रकृति पूछ रही मुझसे ये क्या है, तो एक्चुअली होता है भाड़ यहाँ पे ना भूसा वगैरह पता है जो पीस के आते थे, तो वो भूसा वगैरह यहाँ रखा जाता था इसमें, मतलब ये काउ शेड नहीं है, नहीं नहीं गाय के लिए स्टोर। हाँ, तो गाय के लिए स्टोर है। तो ये पुराना है ये अपना। तो ये है अपना। लाइट किसने रखी हुई ऑन है? रुक बल पकड़, मैं आया वो लाइट बंद करके। तो ये रहा पुराना फार्म हाउस, 50 ईयर्स के अराउंड का घर है ये। इसकी एक्चुअल में ये जो है थोड़ा अलग दिखता था, इसकी मेंटेनेंस की गई है कुछ टाइम पहले ही। तो यहाँ से इसको नहीं, आपने आपको क्या टाइगर श्रॉफ समझते हैं? नहीं नहीं, टाइगर श्रॉफ नहीं है, बचपन से आदत है ना यहाँ से उतरने की, तो ऐसे लगता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आए तो इससे पहले एप्पल ऑर्चर्ड देखें, पहले ये कुआं देखना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिनों की बारिश से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। उससे पहले तो अभी कुछ दिनों पहले ही आपको एक वीडियो में काठू दिखाया था, काठू की सब्जी जो होती है, तो उसके दादाजी यहाँ पे हैं, यानी कि उसका जो वाइल्ड जो काठू होता है, जंगली जो है, जंगली काठू वो है ये। इसका नाम है फाफड़ा, गुजराती वाला फाफड़ा नहीं, फाफड़ा। कहेंगे यहाँ पे लगा हुआ है पुदीना। तो बहुत टाइम से यार मेंटेन नहीं किया है यहाँ का एरिया, तो कहीं पे पुदीना लगा है, कहीं पे ये जंगली काठू। एक्चुअली पुदीना वैसे वहाँ उस जगह पे होता है जहाँ पे पानी आता है, मतलब पानी ठीक रहे, ह्यूमिडिटी। हाँ, तो ये रहता है यहाँ पे मॉइस्चर। तो मैं कुछ दिनों पहले प्रकृति को बोल भी रहा था, कुछ ज़्यादा नहीं, एक महीना भर यहाँ रहते हैं, तो प्लान कर रहे हैं अभी, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। शिवोहम थोड़ा छोटा है ना, तो उस चक्कर से दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। चलो। ओ माई गॉड, प्रेशर यार, ओहो पानी। देखो देखो पानी आ चुका है वापस, और वहाँ पे मुझे चिड़िया का घोंसला दिख रहा है। ओ नीचे जो है मुझे इतना क्यूट सा एक चिड़िया का घोंसला दिखा है, बहुत, उसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, नए नवजात शिशु जो बोलते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि वो पता नहीं मर गए हैं कि नहीं, पर वो जिंदा है, आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, सोए पड़े हैं बच्चे, अभी हम जगाएंगे उनको। लगा उनकी मम्मा है। और वो मुंह खोल के बैठ गए कि दो 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 मामा, दो मामा। पता नहीं क्यों छोटे बच्चों को देख के, कोई किसी जानवर के भी बच्चे हो ना, मुझे शिवोहम की ही याद आती है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम इन बच्चों को, क्योंकि इन्हें भी भूख लगी होगी और इनकी मम्मा भी इधर उधर हमें देख रही होगी, कहीं चोंच मार दी ना गलती से उसने हमें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं एप्पल के ऑर्चर्ड। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एप्पल के ऑर्चर्ड में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एप्पल के प्लांट्स हैं, ये लगभग 2 साल की उम्र के हैं, अभी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल्स लगे हैं छोटे छोटे, अभी अभी ताज़े ताज़े इनमें फ्रूटिंग हुई है। और थैंकफुली ये जो है जो इनकी फ्रूटिंग से पहले जब फ्लावरिंग होती है उस स्टेज में ओले पड़ते हैं, हवा चलती है बहुत तेज़, और फाइनली वहाँ से बच के जो ये वाले जो एप्पल्स बच चुके हैं, ये वो सारे जो भी हार्श कंडीशंस होते हैं उनको फाइनली उनसे जीत कर बड़े हो गए हैं। तो इस बार एक्चुअली क्या रहा कि जब इनके फ्लावरिंग थी उस टाइम पे मौसम थोड़ा ठीक रहा, तो उसकी वजह से उसी वजह से ही ये जो फ्रूट्स हैं थोड़े टिके हुए हैं, नहीं तो फ्लावर्स सारे जो है पॉलिनेशन से पहले ही झड़ जाते हैं और फ्रूटिंग नहीं हो पाती हेल्दी और फ्रूट्स बहुत कम मिलते हैं, तो इस बार काफ़ी ठीक रहा। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताएंगे कि एक्चुअली सबसे पहले ये सेब का गढ़ होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेब होते थे अपने इस एरिया में, बट उसके बाद धीरे धीरे वो अपर बेल्ट में गई, मींस मनाली साइड, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता रहा। और बट कुदरत का पता नहीं लगता या फिर टाइम का पता नहीं लगता, क्योंकि अब वापस एप्पल इस बेल्ट में आ रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हम थैंक्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की वैरायटीज़ डेवलप की जो कि थोड़े से हल्के से हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। और ये देखो कितने क्यूट क्यूट लगे हैं यार, लुक एट दिस क्यूट क्यूट एप्पल्स। एप्पल्स तो यार अपने यहाँ आना मुझे पहले से इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, यहाँ का पता ही नहीं, यहाँ चिल्लाओ रो पीटो आवाज़ बाहर जाएगी भी नहीं यहाँ पे। तो मतलब तो आप क्या बोल रहे हो, एक बार यहाँ पे बगीरा भी आया पता हमारे बगीचे में, बगीरा ब्लैक पैंथर टाइप था। हाँ जानू, बगीरा बगीरा तो ऐसे पेड़ पे चढ़ गया था वो सीधा बिल्कुल। और अभी मौसम इतना खूबसूरत हो गया ना, इतना धूप है और बारिश भी नहीं अभी, थैंक गॉड। देखो ऊपर मौसम, उस तरफ मनाली वाली साइड पे जो है मौसम ख़राब हो गया, और इस तरफ जो है हमारी साइड और मंडी की तरफ बोलते हैं हम इसे, तो वो बिल्कुल क्लीन है अभी इस टाइम पे, बिल्कुल साफ़ है। तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये है M9 और M11 की, तो ये वैरायटी जो है ये इस तरह से डेवलप की गई है, मॉडिफाइड वैरायटी है, ताकि कि इसकी हाइट जो है ज़्यादा ना जाए और स्पेस ज़्यादा ना घेरे, ताकि काफ़ी कम जगह में भी बहुत सारे पेड़ एकोमोडेट हो जाए और इससे फ्रूट्स की पैदावार ज़्यादा मिले। और जो एक्चुअल जो वैरायटी है, जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है एप्पल्स की, वो मनाली में है हमारे एक ऑर्चर्ड, वहाँ पे आपको किसी दिन उस जगह का भी विज़िट करवाएंगे। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि पीछे अनार के प्लांट्स भी हैं, तो इनके बीच बीच में ही एप्पल के भी प्लांट्स लगाए गए हैं, ताकि बाद में जब एप्पल के प्लांट्स बड़े हो जाएं तो हम अनार से एप्पल पे शिफ्ट कर सकें, क्योंकि अनार के क्या है मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसको बहुत मेहनत लगती है। तो एप्पल क्या है, यहीं का ओरिजिनल फ्रूट है और इसमें आगे रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और इसकी मेंटेनेंस भी कम है, वैरायटी इम्प्रूव्ड है, तो इसलिए अब धीरे धीरे जो है अनार से हटके एप्पल में शिफ्ट होने के हमारा प्लान है। अनार जो है जैसे कि सबको पता है ये यहाँ का एक्चुअल में यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, ये है साउथ और सेंट्रल इंडिया का, मतलब गर्म जगह का है, जैसे महाराष्ट्र हो गया तो आंध्र प्रदेश वगैरह उस वाली साइड में जो है अनार की काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है इसकी पैदावार होती है, तो हाई पैदावार भी होती है और वहाँ पे मौसम भी इसके सूटेबल है, तो साल में दो बार भी इसकी जो फ्रूट्स हैं उसे कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ के ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है इसको छोड़ के दूसरे किसी और फ्रूट, यहाँ के जो लोकली हैं उन्हीं फ्रूट्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे अपने काठू लगा के रखा है, तो अभी आधे निकल रहे हैं, आधे अभी अंदर ही हैं, उन्हें वक्त लगेगा थोड़ा बड़ा होने में। तो ये देखो खुद लगाया वो काठू, और जो आपको परे दिखाया था वो जंगली काठू है। तो ऐसे अभी हमने बीच बीच में हर जगह प्लांटेशन कर दी है इस एप्पल की, बीच बीच में हमने सब जगह एप्पल की प्लांटेशन कर दी है, चाहे यहाँ हो देख लो, नीचे भी है,
तो इधर है, ऊपर तक है और थोड़े टाइम बाद हम इसे ज़्यादा करेंगे। तो एप्पल में स्टार्टिंग में 2 या 3 साल तक इनको ग्रोथ होने देते हैं, उसके बाद जो है इसकी ब्रांचेस की को कट करके इसको थोड़ी शेप देंगे। स्टार्टिंग में इसके ट्रेनिंग की जाएगी, उससे पहले इसकी ग्रोथ अच्छी हो और फ्रूट्स जो है अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसके लिए फ्रूट्स की भी थिनिंग की जाती है। फ्रूट्स जहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर में हैं फ्रूट्स, उनको जो है उसमें से कम करके लिमिटेड 1 या 2 फ्रूट्स को रखा जाता है, ताकि जो फ्रूट्स लगा मतलब हमने लास्ट में रख दिए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो क्वालिटी में अच्छी हो। और कुछ सालों बाद जब ये प्लांट पूरा बड़ा हो जाएगा और इसकी शेप बन जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे घास ही घास लगा है, तो ऐसे टाइम पे मैंने ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार मेरा इनकाउंटर हुआ है सांपों के साथ। तो प्लीज़ ठाकुरदास भाई जल्दी से जल्दी घास का कुछ करिए यार, इतना अच्छा मौसम है ना अभी यार यहाँ पे कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है लिटरली यार, है ना प्रति। हाय हाय सांस भर ले मतलब ट्रक की आवाज छोड़ो तुम यार, यहाँ सिर्फ नदी की आवाज आती है, नदी चिड़िया हवा बस यार। अच्छा तो ये देखो बीच अनार के बीच में सेब लगे हुए हैं सारी जगह। हाय छोटू, छोटू मियाँ कैसे हो। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है मेरे फार्म हाउस से। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ना चारों तरफ हमारे सिर्फ नेचर ही नेचर है भाई, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा आपको। यहाँ देखो लेफ्ट साइड, यहाँ नदी थोड़ा नीचे है, चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर मिलेगी, नथिंग एल्स। तो यार आज शिवोहम को हमने उसके दादा दादी के पास छोड़ के आए हैं कि आप पकड़ो, हम थोड़ा घूम फिर के भी आएंगे, दूध लेने भी आए थे। तो बस जहाँ से हम दूध लाते हैं भाई के वहाँ से, तो उनका घर थोड़ा सा ऊपर है, बट अमेजिंग यार सुकून मुझे यहीं आके मिलता है। तो रात को थोड़ा डर लगता अकेले रहने में, बाकी तो सब ठीक है। तो अब काफ़ी देर बैठ लिए, अब निकलते हैं क्योंकि शिवोहम में इंतज़ार कर रहा होगा और मुझे उसकी याद आती है यार। बट अगली वीडियो में उसको लाने वाले हैं और हम तो अगली वीडियो हम ये बनाएंगे कि हमारे ऑर्चर्ड में आखिरकार है क्या क्या चीज़। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं सिर्फ सेब हैं या अनार हैं, तो पूरा डिटेल वीडियो, फार्म टूर, तो पूरा फार्म टूर देंगे आपको। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और यहाँ नेचर की आवाज़ 1 मिनट सुनिए बस, चुपचाप हो गए। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो बस यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिकॉज मैं और प्रकृति सोच रहे हैं कि ज़्यादा नहीं तो महीने के लिए यहाँ शिफ्ट हो ही जाए। तो बस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।